गुड आफ्टरनून अरुणाचल प्रदेश। तको शीतल आपका बेटी, आपका अन्य, आपका दीदी, स्पेशली मेरा लविंग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट सही सलामत ईटानगर पहुंच गया। अभी तो पहुंचने का साथ साथ आप लोगों के बीच में अभी मैं लाइव आ रही हूँ। खास करके यहाँ पहुंच के पता चला कि हम लोग का स्टेट में कल सुबह कल का दिन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं स्टेट के राजधानी में ईटानगर में। तो उनके स्वागत में पूरे जोरों शोरों से सिक्योरिटी टाइट है और ट्रैफिक पर भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस खड़े मिले। तो जब मुझे पता चला तो मैं इसलिए यहाँ लाइव के माध्यम से एज ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, ये हम सब राज्य के वासियों के लिए गौरव की बात है, बहुत अच्छी खबर है। तो प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे राज्य में और हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप आएंगे तो अरुणाचल के लिए प्रगति लेके आएंगे, खुशहाली लेके आएंगे और अरुणाचल के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के आएंगे। खैर अभी बहुत गर्मा गर्मी चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे। लेकिन शायद आप अच्छी खबर के साथ साथ चुनावी प्रचार में भी आ रहे होंगे। तो खैर जो भी हो, आपका जो भी उद्देश्य होगा राज्य में आने का, आपका अपना राज्य है, अपना देश है, हम सब आपके हैं, तो जरूर आइएगा। चुनावी प्रचार आप अपने तरफ से अपने पार्टी के लिए करेंगे, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। आपके आने से पहले मैं छोटी मुंह बड़ी बात आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको बता देना चाहूंगी कि पिछले 2 साल से जिस संघर्ष में मैं लड़ाई लड़ रही हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप 2014 से जब से आपने पद संभाला है देश के प्रधानमंत्री का, तब से आपने भी वायदा किया हुआ है कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना आपका प्रथम उद्देश्य है। लेकिन आपके इतने सख्त वायदे के बावजूद आज भी पूरी देश में भ्रष्टाचार का मायाजाल फैला हुआ है, खास करके हमारे राज्य में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम मैंने छेड़ी थी, हमारे राज्य के लोगों ने, आम जनता ने जो मुहिम छेड़ी थी, वो अभी भी वही के वही है, बरकरार है। हम यहाँ से अरुणाचल से पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री की ओर चलो करके नारा लगाते हुए हम आपके पास दिल्ली पहुंचे थे और वहां जंतर मंतर पर हमने कुल 8 महीना वहां डेरा डाल के हम बैठे रहे, बस आपकी एक झलक पाने के लिए। आपसे एक मुलाकात चाहते थे हम, आपको बताना चाहते थे, अवगत कराना चाहते थे कि हमारे राज्य में चल क्या रहा है। परंतु ये हमारी दुर्भाग्यवश है कि हमें आपसे मिलने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। हमारे लाख हजार कोशिशों के बावजूद हम नाकाम हुए, आपसे एक मुलाकात हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर भी मेरे ख्याल से शायद आप तक खबरें पहुंच ही गई होगी, आपको भी इस बात का पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होगा कि प्रदेश में बहुत ही ऊंचे दर्जे पर भ्रष्टाचारी छाई हुई है और इस भ्रष्टाचार के चलते हमारे प्रदेश में सिस्टम जो है बहुत उलट पुलट है। यहाँ पे पेपर की बिक्री हो रही है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, बैकडोर एंट्री हो रहे हैं, बहुत सारे विभागों के डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे फंड्स मिसप्लेस हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर आपको सख्ती बरतनी होगी मोदी जी। हमने आपको चिल्ला चिल्ला कर आपसे फरियाद किए थे कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी एक दृष्टि हमारे राज्य पर भी डालिएगा, हमारे राज्य को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। आप परम प्यार करते हैं हमारे राज्य को, हमारे राज्य के वासियों को, बहुत सारे डेवलपमेंटल फंड्स आप भेजते हैं, हमारे राज्य के एक एक निवासी के लिए आप बहुत सोचते हैं, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। उसके लिए हम तहे दिल से आपके प्रति शुक्रगुजार हैं। जितने फंड्स और जितने प्यार, जितने आशीर्वाद आप वहां से दिल्ली से यहां अरुणाचल की सरकार को भेजते हो, वो जमीनी स्तर पर अरुणाचल की जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती है, कहीं ना कहीं बीच में वो गायब हो जाती है। तो इसीलिए यही फरियाद लेकर के हम आपके पास गए थे, लेकिन आप सुने नहीं,
या फिर आपके पास वक्त की कमी थी या आपने नजरअंदाज किया, जो भी है, खैर आज भी आप इस देश के सबसे उच्च प्रथम जो स्थान है वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, देश के प्रधान सेवक हैं। तो इस देश के प्रधान सेवक जी को मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि वो मुहिम अभी भी अरुणाचल में छेड़ी हुई है। अरुणाचल की जनता को आपसे शिकायत नहीं है, अरुणाचल की जनता को आपके पार्टी से शिकायत नहीं है, अरुणाचल की जनता को भ्रष्टाचार से शिकायत है और भ्रष्ट कोर लोगों से शिकायत है। तो कृपया करके कल आप अगर अरुणाचल आ ही रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली आप इस बात पर आप खास ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल से भ्रष्टाचारी को कैसे मिटाया जाए और भ्रष्ट कोर लोगों को पकड़ करके उनको उनके किए की सजा दिए जाए। तो ये हमारी तरफ से आपको विनम्र हमारी विनती है, निवेदन है कि आप हमारे अरुणाचल को एक अच्छा अरुणाचल, चमकता हुआ अरुणाचल, उन्नत भरा अरुणाचल, प्रगतिवरी अरुणाचल बनाने में अपनी हाथों को आप कंजूसी मत कीजिए। पूरा वाह फैला कर अरुणाचल को आपकी देख रेख में अगर आप एक अच्छा अरुणाचल, स्वस्थ अरुणाचल, उभरता हुआ अरुणाचल बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जनता ऊब चुके हैं भ्रष्टाचारी से और सिस्टम के बिल्कुल कलप्स होने से। तो अब जनता ने मूड बना लिया है कि हम इस बार अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कमजोर जनता, गरीब जनता, आम जनता अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आपके सामने अपनी आवाज़ बनाकर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी दीदी, अपनी माँ को आपके पास दिल्ली भेजने का निर्णय करके बैठा हुआ है सारे लोग। तो इस पे आप जो है हमारे परम आदरणीय मोदी जी, हम साफ लफ्जों में बता रहे हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, परंतु आपके अंदर आपके पार्टी में रह करके जो लोग आपके नाम से चोरी करते हैं, आपके नाम का दबाव डाल करके आपका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को आप थोड़ा सख्ती हिदायत दीजिएगा और हो सके तो उनको जैसे भी करके एक डिसिप्लिन वे में आप लेके आइएगा। और चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है तो बिगड़ने से पहले लोगों को संभालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इस देश का हर एक हिस्सा, हर एक कोना आपके लिए जितना ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही अरुणाचल का कोना कोना, हर जिला, हर ब्लॉक, हर सर्कल, हर गांव आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मोदी जी आपको स्वागत करते हुए और अरुणाचल के वासियों से भी मैं निवेदन करूंगी, देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं तो उनके स्वागत सत्कार जरूर कीजिएगा, लेकिन अपने उद्देश्य को मत भूलिएगा। आपने जो प्रतिबंध किया हुआ है, जो प्रतिज्ञा ली हुई है, उस प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञाबद्ध रहिएगा और अपने लक्ष्य को आप हमेशा याद रखिएगा। मोदी जी के सत्कार में, उसके आदर में, उसके स्वागत में जरूर झूमिए, गाइए, नाचिए, खुशी मनाइए, परंतु हमें इस 2024 में हमें क्या करना है, क्या निर्णय हमने लेके रखा हुआ है, उससे आप भटक मत जाइएगा, अपने रास्ते से मत भटकिएगा। तो यहाँ पर मोदी जी के स्वागत में दो शब्द रखने के बाद और अपनी आवाम से, जनता से अपील करने के बाद, मैं आपकी बेटी तोको शीतल, आपकी दीदी, आपकी माँ, कुछ अच्छे खबर अपने अरुणाचल के जनता के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से पहुंची हूँ। मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट गई थी, खास करके लिरोमोबा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, जो हमारा जो गांगकाक विलेज है, गांगकाक क्लान का जो एक विलेज है, पर्टिकुलर विलेज का नाम भी गांगकाक है, वहाँ पे हम गए थे। तो हमारे जो आदरणीय लेट स्वर्गवासी लेट असी तुमी गांगकाक जी के समाधि में हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। तो वहाँ से हम जैसे वहाँ हम पहुँचे, ये हमारा कोई ऑफिशियल टूर भी नहीं था और हमने किसी को बताया भी नहीं था, खास करके मेरे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को। आप सबसे हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगी। आप लोग ये गलत फहमी में मत रहिए कि शीतल बेटी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आए और हमसे मिले बगैर चले गए या हमारे गांव नहीं पहुंचे या हमसे बात नहीं किया, ये मत सोचिएगा। बहुत जल्दबाजी में, खास करके अच्छी गांगकाक जी के निधन के एक साल की उसकी वर्षी में हम आना चाहते थे, परंतु कुछ कारणवश हमारे स्वास्थ्य के चलते, कुछ कारणवश उस डेट को हम नहीं पहुंच पाए।
तो 2 दिन लेट से ही हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे। तो वहाँ से निकल के आने के बाद हम उनके समाधि को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे और उनसे अपनी दिल की कुछ सुख दुख की बातें करने के लिए गए थे। तो इसीलिए वहाँ चलते चलते राह चलते चलते खंबा होकर गए। खंबा में हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन अब वो तुम्पक करगा जी है, उन्होंने हमें बड़े प्यार से आमंत्रित किया उसके घर पे। हमारे हमारे जितने भी साथीगण हमारे साथ गए थे उन सबको हमें बड़े प्यार और आदर के साथ हमें भोजन भी उन्होंने अपने तरफ से भोजन भी दिया और उनके घर में विश्राम करने का हमें मौका भी दिया। उसके लिए अब वो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम दिल से आपके उस नोबल वर्क के लिए हम आपको प्रेज करते हुए, और अबो ने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से आदर और सत्कार के साथ स्वागत करने के बाद उन्होंने मुझे एक बेस्ट विशेष गिफ्ट दिया। ये है बेस्ट विशेष गिफ्ट फ्रॉम अबो तुम्पक कारगा जी, यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये हम लोग का ट्रेडिशनल लोकल में हम लोग इसको निसी लैंग्वेज में तालू बोलते हैं और गालो लैंग्वेज में आदि लैंग्वेज में आदाम बोलते हैं। ये हम लोग का अबोतानी का पारंपरिक हम लोगों का अपना एक ट्रेडिशनल जो हमारा प्रॉपर्टी है। हर शादी ब्याह में अपने दूने को, दूने मतलब अपनी घर की बेटी को जब ब्याह देते हैं, विदाई करते हैं, तो इस तालू के साथ में विदाई करते हैं। ये बहुत प्यारा सा तालू अबो तुम्पक जी ने मुझे प्रेजेंट किया है। ये बाकी अरुणाचल के जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार हैं, आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। ये अबो तुम्पक जी का दिया हुआ गिफ्ट है, बहुत प्यारा है। पूरे आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपनी बेटी को बोल के, मुझे दूने को बोल के नवाजा है। पूरी ब्लेसिंग के साथ, बेस्ट विशेष के साथ दिया। और यही नहीं, ये एक लिफाफा उन्होंने मुझे दिया है बेस्ट विशेष के साथ कि रास्ते में अगर पेट्रोल डीजल की आवश्यकता हुई तो जरूर मैं इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ू, रास्ता तय करूं। तो मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है, खोलने की अभी मुझे नौबत नहीं आई है, तो इसलिए मैं बाद में खोलूंगी। अबो का ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग ये दिखाना था। और जैसे अबो के यहाँ से हम निकले तो हम गांगकाक विलेज पहुंचे, जब अचेतुमी जी के समाधि के पास। तो वहां से गांगकाक विलेज में हम 2-3 घंटा बिताने के बाद हम योमचा गए थे। तो योमचा में मुझे एक मेरे छोटे भाई ने, तो को दीदी आप यहां से योमचा से आलो तक भी जाने के लिए पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के जाइएगा बोल के ये मुझे प्रेजेंट किया है। बेस्ट विशेष के साथ में ये एक लिफाफा उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। तो मैं इसको भी अभी तक मैंने खोला नहीं है, मैं खोलूंगी बाद में और जरूर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत प्यार और आदर और सत्कार के साथ में, बेस्ट विशेष के साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स ने, एक छोटे भाई ने, ये छोटे भाई ने दिया है, ये पिताजी ने दिया है। तो मैं इसको बहुत ही तहे दिल से, मैं इसको एक ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानकर मैं चल रही हूँ। तो जब वहां हम, उसके बाद गांगकाक से हम योमचा से हम निकले थे, तेगो गामलिन आए। तो तेगो गामलिन में भी हमें तसंग कम अचिव जी नमना, एक सेकेंड मैं लेकर आती हूँ, आप लोग ऑनलाइन रहिए लाइव में। मेरे स्टाफ ने कहाँ रखा है, ओलोंगा बोनिन गोता का बैग से सामान अनपैक करते हुए कहाँ रखा है पता नहीं। तेगो गामलिन से भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ नवाजा गया था और बहुत सारी चीजें मुझे, मेरे खास करके वेस्ट यांग बेल्ट के मेरे अन्य अबो ने, हाँ यहाँ है, ये लीचुम भी दिया है मुझे, ये लीचुम ऐसे करके मुझे पहनाया, गिफ्ट दिया। और यहाँ पर है, कहाँ है वो माला था ना, वो दीजिए मुझे काइंडली, आप लोग कहाँ रखा है। तो
बहुत सारे प्यार और उपहार के साथ मुझे बहुत ही ये हमारे गांगकाक दोलू तोलक गांगकाक बस्ती से ये मुझे गालो तादोक, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये गालो तादोक मुझे गांगकाक बस्ती के हेड गांव बुरी अन्ने ने मुझे फुल ब्लेसिंग के साथ में दिया है। तो ये सारी चीजें मुझे दिया है और मैं वहां से निकल करके हम गए थे जो हमारे सांसद जी के हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी के गोद लिए हुए गांव ओरी विलेज हिगी कॉम वहां पर मैं गई थी। तो वहां से भी मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। वहां से भी लोगों ने मुझे अपने अपने तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे डोनेशंस ड्राइव करके उन लोगों ने बोला कि दीदी हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी बेटी है, हमारी दीदी है, आप आगे बढ़िए बोला। फिर वहां से निकल करके मैं रुमगोंग कंस्टिट्यूएंसी का जो पहला हिस्सा हमारा लिरोमोबा कंस्टिट्यूएंसी क्रॉस होने के बाद जो मिलता है केरंग वन गई थी। एक मेरा भाई है बहुत प्यारा सा, ये उन्होंने मुझे दिया, बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया, अपने छोटे से प्यारे से कुटिया में बुला करके मुझे और मेरे टीम को खाना खिलाया। उसके बाद में उन्होंने अपनी तरफ से ये मुझे गिफ्ट किया है, ये उन्होंने दिया है पावो सान पावो उनका नाम, और उनके फैमिली को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतने सारे गिफ्ट्स ये देखिए, इतने सारे गिफ्ट्स और प्यार के साथ मैं वेस्ट सियांग से लौटी हूँ और अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँच कर मुझे यहाँ बहुत सारे तैयारी करनी है मैदान में उतरने के लिए आपके पास, क्योंकि अभी मुझे यहाँ अपर सुबनसिरी भी जाना है, वेस्ट कमिंग भी जाना है और तवांग भी पहुँचना है। तो ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मैं कवर अप करने के बाद में कमले करादादी पके केसंग ये सब कवर अप कई पन्योर कवर अप लोअर सुबनसिरी कवर अप करने के बाद में मैं बहुत जल्दी वेस्ट सियांग वापस आ जाऊंगी और वही आलो में ही बैठूंगी। आलो में बैठ करके मैं अपना जितना भी मेरा नियर बाय सियांग डिस्ट्रिक्ट लेपारादा डिस्ट्रिक्ट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट सियांग वहां रह करके मैं वहां से मैं आप लोगों के पास पहुंचूंगी, जिस जिस गांव में आप लोग मुझे बुलाओगे प्यार से और ब्लेसिंग दोगे मैं हर गांव में पहुंचने की कोशिश करूंगी। अगर हर गांव में नहीं भी पहुंच पाए तो एटलीस्ट सर्कल हेडक्वार्टर में पहुंचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा असली ठिकाना तो मेरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां जितना भी मेरा अभी लिरोमोबा और आलो वेस्ट में एक दो गांव को टच किया बट आलो ईस्ट में बिल्कुल टच नहीं किया। खास करके मेरा अच्छी लोग भी आप लोग प्लीज दिल से मुझे नाराज मत होइए कि बहन यहां तक पहुंच के हम लोगों नहीं मिल के गया, ऐसे मत सोचिए। मोगा अच्छी गवाइंगो नोम चिन्हो मिंदू ने नो अंगी गो सिन मा बका मोग उबरे जो आच लाई ला सिन गोम कारग मा बा अगोम जबरग मा बा यो इन कुन मा। हम बहुत जल्दी वापस आएगा, बहुत जल्दी वापस आके आप लोग का बीच में हम रहेगा। कोई बात नहीं, जितना गंदा कमेंट्स करना है करते रहिए, आपको भी पालने वाला ऊपर वाला भगवान है, मुझे भी पालने वाला ऊपर वाला भगवान है। और मुंह से खाना खाने वाला चीज होता है, पानी पीने वाला चीज होता है, जो इंसान खा पी सकता है उसको ही खा सकता है, जो नहीं खा पी सकता है उसको नहीं खा पी सकता है। आप खुद भी फोटो से देखने से एक लेडी लग रहे हैं अतोक योगी नो नाए। और अब जो इतना गंदा शब्द जो यहाँ स्क्रीन में लिखा है ना सब देख रहा होगा, मुझे मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है, वो कोई खाने वाला चीज नहीं होता है। तो आप अगर आप खा सकती हो तो आप अपना खा लीजिए, मेरा पास तो हम तो खाने नहीं सकेगा ना, हम खाना खाते पानी पीते सब्जी खाते मीट मछली खाते लेकिन वो चीज खाते नहीं है। एनीवेज भगवान आपको सद्बुद्धि दे और लंबी उम्र दे, मैं आपके लिए दुआ करूंगी ऊपर वाले से। तो ये सब अपडेट्स मुझे आप लोगों के बीच में रखना था। तो जितना भी प्यार और जितना भी अपनापन मुझे यहाँ से मिला है, यहाँ से पता चलता है कि यस हमारा स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, हमारे गांव वाले बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, अब सचमुच में एक रिफॉर्मेशन आ चुका है। बहुत सारा अभी 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 तक मैं जितने भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में टच होके आई हूँ बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद ही मुझे मिले हैं। कुरुंगकु में गई थी तो कोलोरिंग से भी मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला था। उसके बाद में मैं अपना लोअर सुबनसिरी अभी कई पनियर हो गया,
अपना तालो विलेज गई थी तो वहाँ से भी बहुत गिफ्ट मिला। उसके बाद ईस्ट कमिंग गई थी तो ईस्ट कमिंग से भी मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला। और पके के संग गई, वहाँ से भी मिला। हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई हर जगह से मुझे गिफ्ट मिला है। तो अभी अपर सुबनसिरी में मेरे भाई भैया लोग, माता पिता लोग बहुत प्यार से बुला रहे हैं। वहाँ भी मैं बहुत जल्दी आने के लिए सोच रही हूँ। अभी ये शायद कल कुछ क्या इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीटिंग है, क्या है, वो सब बुला रहे हैं, तो वो सब भी देखा जाएगा। जो भी है, करने के बाद जैसे मैं फ्री होती हूँ उसके बाद मैं तुरंत जल्दी अपर सुबनसिरी को अन आबुद नुन शांति बदोरा तो नुन गए आओ शीतल ना कु शीतल मु चालिंग रिकु नपला ओके कमलेंग कमनुल अले बदोया तो मु चालिंग रिकु नपला होगा गे लुआर सुबन श्री का आने आता आवा आता बारो बाम नाता नाते नुन वानो आया फादू जा तो वो आयुमा दा चालिन तय के नुन का सामने हो नुन का ब्लेसिंग में आशीर्वाद में वो लाइक दोना के सिस इलेक्शन है पूरा आयुमा दा अलो लोनी लोनी लोए का बाद में डेट फाइनल हो जाएगा, डेट निकल जाएगा, इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2024 का रणभूमि तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, लड़ाई ये लड़ना है कि हम अपना प्रदेश में किस तरीके से हम अपना बचे हुए दिन को, फ्यूचर को हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें तैयारी करना है। तो मैं बहुत जल्दी स्पेशली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट, आप लोग अपर सुबनसिरी, वेस्ट कमिंग, तवांग, कामले, लेपारादा, लोअर सियांग, सियोमी, सियांग और मेरा वेस्ट सियांग और करा दादी पके के साथ पपुम परे जितना भी है आप लोगों का प्यार और समर्थन अभी तक जैसा है वैसा इसको इलेक्शन के वोटिंग डेट तक बरकरार रखिए। कुरुंग कुमे जितना अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट निकल रहा है, शायद वेस्ट कमिंग से बिचुम भी निकल रहा है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट एरिया बड़ा था, नाम कम था, अभी डिस्ट्रिक्ट का अंदर से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का अंदर से डिस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को नाम लेने में कभी कभी इधर उधर मिसप्लेसमेंट हो जाते हैं। उसको ये मत सोचिए कि दीदी आपने हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया, हमको याद नहीं किया, ऐसे मत सोचिए। तो टोरा भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो जितना भी आप लोग, क्योंकि जो मुझे प्यार से बुलाएंगे, मैं आप सबकी घर की अपनी बेटी हूँ, आप सबकी माँ हूँ, आप सबकी दीदी हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी और मैं पूरी तरह से बिल्कुल बिना पैसे की बिल्कुल तैयार हूँ इलेक्शन को फेस करने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आज तो ये एक तो मोदी जी का वेलकम करना था और दूसरा आप लोगों को ये रिपोर्ट बताना था पूरे अरुणाचल को कि मैं अभी तक वहां से दौरा करके आई हूँ। तो आगे अभी मैं मेरा जो कैंडिडेट्स, जो ऑफिशियल कैंडिडेचर है उसको मैं स्टैन को क्लियर करने के बाद फिर आप लोगों को दोबारा अपडेट करूंगी कि मतलब क्लियर इन द सेंस क्लियर पहले से हूँ, बट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एफिलिएशन कौन से पार्टी से मुझे करना है, जीएसपी से करना है कि इंडिपेंडेंट करना है या क्या करना है, वो सीनियर लोगों का साथ में सलाह मशवरा भी चल रहा है, डिस्कशन चल रही है। सीनियर लोग, स्टेट के सीनियर लोग क्या चाहते हैं, उनका भी गुडविल मुझे चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो वो लोग भी अपना अपना ओपिनियन प्लेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई लास्ट लाइव वीडियो मैंने आप लोगों से ओपिनियन पूछा था कि मुझे कौन से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से स्टैंड करना चाहिए, तो उस पर अभी डिस्कशन चल रही है। विद इन ए 2 डेज और 3 डेज के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म से आप लोगों का कैंडिडेट बन करके, आप लोगों का वॉइस बन करके, आप लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके आप लोगों के लिए मुझे खड़ा होना है। तो उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के बाद मैं बहुत जल्दी आप लोगों को वो अपडेट करने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही था कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, सही सलामत पहुंची हूँ और बहुत अच्छा था। और बहुत जल्दी मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी गंगा जी के समाधि तक गई थी, अनऑफिशियली गई थी। अपने डिस्ट्रिक्ट टीम को भी, पार्टी के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी टीम को भी, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। तो अब मैं अगली बार जब नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी तो पूरा एक ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में, पूरे मतलब एक अथॉरिटी के साथ, लाइक ना कि मैं इस इलेक्शन में एक कैंडिडेट हूँ
ऑथोराइज कैंडिडेट फ्रॉम द सो एंड सो पार्टी या पब्लिक के तरफ से मुझे ऑथोराइज किया गया है, इस अभाव के साथ मैं दोबारा आऊंगी और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी, आप लोगों के बीच में मैं हमेशा मौजूद हूं। तो इसलिए आरके राजू पीपीए कैंडिडेट शायद नहीं आ सकता, क्योंकि पीपीए पार्टी जो है नेडा के बैनर में एनडीए का अलायंस है और वो लोग एनडीए का अलायंस होने से एनडीए के अगेंस्ट में वो लोग कैंडिडेट पुट नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो लोग एनडीए का अलायंस डिक्लेयर ऑलरेडी नेडा का बैनर में है। तो इसलिए शायद पीपीए, मैंने पूछा था पीपीए के लीडर से, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है बोल के पूछा था, तो उन लोगों का कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो लोग शायद एनडीए का सपोर्टर है ऐसा कुछ बता रहे थे, डिटेल्स में नहीं पूछा, बस एक दो बार पूछा था। तो इसलिए जो भी हो, मेरे लिए कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपका और मेरा, हमारे बीच का कनेक्शन, हमारे बीच का विश्वास, हमारे बीच का एक पक्का रिश्ता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए हूँ और आप सब मेरे हो, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही खड़ी रहूंगी। आप लोग मुझे कहाँ तक पहुंचाते हो ये आप लोगों के ऊपर में है, तो इसीलिए मैं इस विश्वास और हिम्मत के साथ डटकर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, लड़ने के लिए, खड़ा करने के लिए और आगे की लड़ाई को जारी रखने के लिए। लड़ाई मतलब किसी से झगड़ा पिसा मारपीट नहीं करना है, लड़ाई मतलब अपने हक के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, जस्टिस के लिए फाइट करना है। तो मैं वहां जाकर के अच्छी गंगक जी को भी, अच्छी तुमी जी को भी मैं वादा करके आई हूँ कि अच्छी आपके साथ क्या हुआ था मैं जरूर उसका फाइंड आउट करूंगी, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था, सच्चाई सामने आए, मैं वो अच्छी से वादा करके आई हूँ और आगे मैं अपने वादा पे जरूर खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए आगे मैं कोशिश करूंगी, सरकार चाहे जिसकी भी हो उनसे मैं अनुरोध करूंगी, कुछ भी करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि अच्छी के साथ क्या हुआ था जरा मुझे बताए, अरुणाचल के जनता को बताए, हम सबको बताए। मेरा आप लोग शायद कुछ लोग ये छोटा छोटा हम लोग आपस में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में निसी आदि गालो टागिन अपातानी ये ईदू मिसमी मोम्पा आका मिजी सार्दुकपेन ये खामती मेम्बा खम्बा ये सब बोल के लड़ाई करते हो, ऐसे लड़ाई मत लड़िए। वी ऑल आर सेम फैमिली, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसीलिए हम लोग जो है जब भी किसी के साथ हमारे परिवार में कुछ भी बुरा होता है तो हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए और हमें मिलजुल कर उसके न्याय के लिए अपनी आवाज को स्ट्रोंग बनाना चाहिए। तो इसलिए अच्छी गंगा के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए पूरे अरुणाचल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्रे कीजिए, दुआ कीजिए और मेरे लिए आपके दिल में जो प्यार और आशीर्वाद है उसको बरकरार रखिए, तब तक रखिए जब तक मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं भेजता है। तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भेजना आप लोगों का जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आऊंगी और हमेशा प्यार और आशीर्वाद यू ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।